सबृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारि नर ब्रंद। रामचरितमानस की ये चौपाई तब देवताओं और लोगों ने गाई थी जब भगवान श्री राम 14 सालों का वनवास काट अयोध्या वापस लौटे थे। इस चौपाई के अनुसार प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन पर भव्य स्वागत हुआ था। आसमान से फूलों की बारिश हो रही थी। ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़कर स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी लोग श्री राम और माता सीता के दर्शन करने को लालायित थे। हजारों साल पहले की तरह 22 जनवरी 2024 को भी आसमान से फूलों की बारिश होगी। लोग अपने आराध्य श्री राम के एक झलक पाने को बेताब दिखेंगे। चारों ओर खुशियां और दीप जगमग करेंगे क्योंकि 22 जनवरी की ये तारीख सुनहरे अक्षरों से इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। 492 सालों के बाद जाकर एक बार फिर भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में स्थित अपने महल में विराजित होंगे। 22 जनवरी 2024 के दिन न केवल करोड़ों भारतीय बल्कि पूरा विश्व इस दिव्य और भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का साक्षी बनेगा। श्री राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए आधिकारिक निमंत्रण पत्र सौंपा। इस पर पीएम मोदी भावुक हो गए और उन्होंने कहा, आज का दिन भावनाओं से भरा हुआ है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार इस ऐतिहासिक पल में 4000 पूजनीय संत और 2500 गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। राम मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य आपको जानने चाहिए। राम मंदिर का निर्माण 3 चरणों में हो रहा है। 2025 तक पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अभी प्रथम चरण पूरा होने को है और इसी के साथ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भक्तजन रामलला के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री राम मंदिर के निर्माण में कुल खर्च कितना आएगा? राम मंदिर के निर्माण का कुल खर्च 1800 करोड़ आने की संभावना है। अब तक 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। राम मंदिर के निर्माण में एक भी पाई केंद्र या किसी भी अन्य प्रदेश की सरकार से नहीं ली गई है। इसमें सरकारी धन उपयोग में नहीं लिया गया है। राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट का गठन किया था जिसमें कोई भी सरकारी मेंबर शामिल नहीं किया गया। 71 एकड़ के राम मंदिर क्षेत्र के निर्माण में लगने वाली एक एक पाई आम जनता की है, उन करोड़ों भक्तों की है जिन्होंने स्वेच्छा से अपना कुछ हिस्सा मंदिर निर्माण में दिया और प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में अपनी भागीदारी निभाई। निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा के अनुसार 12 घंटे के दर्शन अवधि में 75,000 श्रद्धालु रामलला के सामने एवरेज 1 मिनट तक खड़े रहकर पूजा और दर्शन कर सकेंगे। भक्तों की संख्या 1.5 लाख तक पहुंचने पर प्रति भक्त दर्शन अवधि घटा करके 20 सेकंड कर दी जाएगी। शुरुआती समय में भीड़ अधिक होने की संभावना है। श्री राम मंदिर में क्या कुछ खास होगा? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की और पुणे के एक एस्ट्रोनॉमिकल संस्थान ने मिलकर एक कंप्यूटरीकृत सिस्टम बनाया है जिसे मंदिर के शिखर पर लगाया जाएगा। जैसे ही सूर्य की किरणें उस पर पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होकर सूर्यवंशी भगवान श्री राम की ललाट पर पहुंचेंगे। मंदिर के अलावा म्यूजियम भी होगा जिसमें मंदिर की खुदाई के समय मिले अवशेषों को लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। डिजिटल अभिलेखागार भी होगा और एक शोध केंद्र भी होगा। भगवान राम की मूर्ति के अलावा हिंदू शास्त्रों पर आधारित 3600 मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाएंगी। जंग ना लगे इसलिए मंदिर में तांबे का उपयोग नहीं किया गया है। श्री रामलला जन्मभूमि में भगवान राम माता सीता हनुमान जी भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ कई मूर्तियां होंगी। मंदिर में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से लाया गया 4.25 फीट ऊंचा शिवलिंग भी होगा जिसकी प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शिव मंदिर में की जाएगी। अब इंतजार है 22 जनवरी की सुबह का जिस पल के करोड़ों देशवासी गवाह बनेंगे।